तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो भाई आप लोगन के स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो पे। तो भाई आज का ये मतलब स्पेशल वीडियो होने वाला है, ठीक है, जो कि आप लोग टाइटल देख के समझ लेना। और आज आपको बताने वाले हैं अपने बारे में पूरा डिटेल्स, जो कि मेरा नाम क्या है और कहाँ से रहते हैं और ये YouTube कब से किए हैं स्टार्ट और अपना चैनल मोनेटाइज किया है कि नहीं अभी तक, जो कि हमारे ये 13,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। इसके लिए भाई आप लोगों को दिल से धन्यवाद और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। चलो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यार चलो ऑफ करते हैं मेन कंटेंट स्टार्ट, ठीक है। सॉरी, इम्पोर्टेंट बात जो कि अब आपको बताएंगे भोजपुरी लैंग्वेज में, ठीक है। आपको मतलब आएगा बहुत ही काफ़ी मज़ा। अगर मज़ा आएगा तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब और भाई फैला देना पूरा इंडिया में, ठीक है। तो आज से 2016 में मतलब आ गया है जियो सिम, जो कि भाई रिचार्ज बहुत ही काफ़ी रहे सस्ता का बताई भाई। वो टाइम पे मतलब अपन 2018 में निकल ली सिम, ठीक है, और वो टाइम से रिचार्ज करते करते भाई उस टाइम पे एक महीने के रिचार्ज जो कि पूरे रहे 149 रुपये वन महीने फ्री। और आज देखो 2024 जुलाई मंथ 3 तारीख, जो कि भाई रिचार्ज बहुत ही काफ़ी हो गई महंगा यार, 299 रुपया। क्या सीन चल रहा भाई आप बताओ, ठीक है। और तोहनी लोग के यार इंडिया के बेरोजगारी के बारे में पता हुई बताओ। अगर एक शरीफ लड़का पर डे काम करके 8 घंटे ड्यूटी परमानेंट करी ना, तो एक दिन में यार 400 से 500 रुपये बने ला बताओ। रिचार्ज करी, घर के चलाई खर्चा या फिर का करी यार, 300-400 रुपया बस। और इस साला पता ना क्या सीन कर रखा है यार ये मुकेश अंबानी और एयरटेल सिम वाला, जो कि बहुत ही गंदा स्कैन कर रहा भाई, ठीक है। जो कि भाई पहले कितना मस्त था रिचार्ज और क्या फायदा भाई बढ़ाने की, यार वही सिस्टम सही था। तो भाई चलो बस आप लोगों को यही हम बताना चाहते थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब, और चलो भाई फैला दो पूरा भारत में, दिखा दो कि आप मतलब आप लोगों के सपोर्ट से, ठीक है, अपना ये जो कि रिचार्ज बढ़ रखा है 3 जुलाई को, कम हो सकता है यार, कम आप लोग कम करवा सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई आप वीडियो को शेयर कर देना और मिलते हैं किसी भाई तड़कता भड़कता ब्लॉग में। तब तक के लिए आज बस इतना ही था।